मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में निश्चय रथ पर सवार होकर रोड शो किया। मुख्यमंत्री के साथ जदयू प्रत्याशी अजय मंडल, गोपाल मंडल, बुलू मंडल नजर आए। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री का एनडीए कार्यकर्ताओं ने शहर के सभी चौक चौराहों पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। शहर के हवाई अड्डे मैदान से मुख्यमंत्री का काफिला निकलने के साथ ही एनडीए कार्यकर्ताओं और लोगों की भारी भीड़ मुख्यमंत्री के निश्चय बस के पीछे उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से विरोधी दल पर क्या असर पड़ता है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री के रोड शो में देखने को मिला, इसे कहीं न कहीं भागलपुर लोकसभा सीट से जदयू के प्रत्याशी अजय मंडल को सीधा लाभ मिला है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान में बिहार में 5 जिलों भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में 26 अप्रैल को मतदान होना है। एक तरफ जहां भागलपुर में एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल अपने प्रचार प्रसार में एड़ी चोटियां कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन के अजय शर्मा भी कहीं पीछे नहीं। अजय शर्मा के लिए उनकी बेटी बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने आज भागलपुर के पीरपैंती और कहलगांव के कई क्षेत्रों में रोड शो किया और अपने पिता के लिए जनता से वोट मांगी। नेहा शर्मा इससे पहले भी अपने पिता के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार कर चुकी। आज का यह रोड शो शेरमारी चौक से प्रारंभ हुआ और कहलगांव तक यह रोड शो किया गया। इस दौरान युवाओं में काफी भीड़ देखी गई। इस रोड शो में हजारों की संख्या में युवा युवतियां अभिनेत्री नेहा शर्मा को देखने के लिए पहुंच गए। भीड़ इस कदर लग गई कि प्रशासन को भी भीड़ पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं कहीं भी कभी भी। भागलपुर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा अनोखे प्रयोग किए जा रहे हैं। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए समरनाली परिसर से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीसीसी अनुराग कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कैंडल मार्च के जरिए भी मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने लोगों से 26 अप्रैल के दिन अपने घर से बाहर निकलकर वोट करने की अपील की है। 26 अप्रैल को आप सभी जान रहे हैं कि हमारे यहाँ महालोकतंत्र का महापर्व है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। इसमें हमारे समस्त अधिकारीगण, हमारे यहाँ की आम जनता साथ में है और इस मशाल के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि उस दिन इस महापर्व को हम लोग सफल बनाएं और सभी लोगों से आग्रह करेंगे, एक दूसरे को लोग जागरूक करें, अपने समाज के सभी लोगों को प्रेरित करें कि इस महापर्व में भाग लेकर के इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। भागलपुर में लगातार आग लगने की घटना सामने आ रही है। शहर के जोगसा थाना क्षेत्र के अम्बेडकर नगर कॉलोनी में खाना बनाने के दौरान अचानक से सिलेंडर में आग पकड़ लिया। देखते देखते आग घर के चारों तरफ फैल गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि चंद मिनट में सारा सामान जलकर आग हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की इस घटना में कोई हताहत की सूचना नहीं है। ऐसा है कि हम तो बाहर थे, अभी आए तो पता चला कि तो शाम के समय में अगरबत्ती महिलाएं वगैरह देती होगी, हाँ, जिसके कारण से वहाँ किसी चीज़ में पकड़ लिया, लकड़ी है या बांस है या किसी चीज़ में पकड़ लिया, जिस कारण से हाँ वहाँ आग लगी। हाँ, और जिनके घर में आग लगी वो चूँकि ठेला खोंचा वाला है, वो बाहर था, वो तुरंत में आया और हम लोग समाज के प्रयास से हाँ जो हो बन सका उसको हम लोग ने प्रयास किया। आग पा लिया गया है, तब तक में फायर ब्रिगेड लोग भी आ गए हैं, हाँ, जिस कारण से और भी हम लोग को सुविधा। वहीं बारात की विदाई के बाद बूझा चूल्हे से निकले चिंगारी से शिवनारायणपुर के रामजनीपुर गांव में शादी वाले घर में ही आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें ने आसपास के 55 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि इसमें दर्जनों से ज्यादा पशु झुलस कर मौत के घाट उतर गए। साथ ही 70 वर्ष वृद्ध प्रभा देवी गंभीर रूप से झुलस गई। उनका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर पहुंची एनटीपीसी के 2 दमकल की गाड़ियां, राज्य अग्निशमन की 2 दमकल व आम के बगीचे की सिंचाई के काम के आने वाले 2 ट्रैक्टर की मदद से लगभग 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। हाँ, ऐसा पूरा पस्त हो गया, जितना सामान समझे, जितना हम लोग 30 मन 25 मन गेहूं में सब इसी में सर, हमारे चावल ताल माई गाना गुड़िया पैसा कोड़ी सब सर इसी में चल गया सर। सब हम लोग गरीब दुखिया, 1 लाख मेरा खाली खाता में था सर, घर में 30,000 ऐसे कैसे रखे थे हाथ में, घर द्वार से बनाएंगे उधर से उठवाएंगे सर,
आज सब काट कर रखे हैं सर, ना 1.5 लाख सर में हम लोग चला गया सर, गरीब दुखिया कमाने खाने वाले सर हम लोग कहाँ सर, जो था सर सब चला गया, एक कुछ हम लोग ने लिखा नहीं, लेकिन सब उसी में अंजापन देखे सब घर में सर सब जल के मैं राख हो गया। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।